अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही टाइम बाद मैं एक व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैं बिज़ी थी अपनी कज़न की शादी पे। तो बस दोस्तों, आज मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा एक व्लॉग तो शेयर करना पड़ता है ना दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, व्लॉग स्टार्ट करते यहाँ पर हम बाइक के साथ गए थे वॉक पर, तो सखाम था, फिर हम यहाँ पर आ गए बेकरी में। मुझे ये प्लान और ड्राई फ्रूट्स, ड्राई केक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो बस तरस लिया। और फिर यहाँ पर मेरी कज़न की मेहंदी है, तो मेहंदी हमारे घर में ही थी, कज़न के घर पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इंटर हो गए, बहुत ही अच्छी लाइटनिंग और बहुत, तो ये जगह है मैं उसकी बैठने की दोस्तों, तो क्योंकि थोड़ी सी जगह थी उनके लिए। और दोस्तों, ये मेहंदी फंक्शन तो होती है लड़कियों के लिए दोस्तों, तो हाँ ये स्टेज और ये सब कुछ इतना प्यार प्यार मज़े मज़े की डेकोरेशन की गई थी। और ये है प्यारा सा स्टेज और सब कुछ दोस्तों, बनाना। तो यहाँ पर हम बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे और बस इंजॉय कर रहे थे। तो बस हम कज़न्स एक दूसरे से बहुत टाइम बाद मिले, तो बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों, यहाँ पर हम बैठे थे पिक्चर्स के लिए, और ब्लैक ड्रेस में आपकी बहन है। और यस, तो बस दोस्तों हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर मेरी दूसरी कज़न आ गए, हम बस पिक्चर। तो मेहंदी फंक्शन तो बहुत ही अच्छे से रहा दोस्तों, तो बहुत ही मज़ा आया एंड बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किए। और यहाँ पर हमारे गरम गरम जलेबी घर में ही बन रही थी, बहुत ही मज़े की। और मेहंदी फंक्शन था, तो इसलिए स्वीट्स सबसे पहले सर्व हो गए दोस्तों, तो बहुत ही मज़ा आया। और यह फूड हमने खा लिया, बहुत ही मेस क्रिएट किया, क्योंकि मेरे साथ छोटी सी नीज बैठी थी जिसने इतना ज़्यादा मेस क्रिएट किया दोस्तों, लेकिन बहुत इंजॉय किया। दूसरे दिन बारात है दोस्तों, बारात का यहाँ पर यह वेडिंग हॉल बहुत ही पसंद आया मुझे, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही मज़े आया दोस्तों। तो दोस्तों, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि व्लॉग बना सकूं। और तो दोस्तों, बस यहाँ पर ये फंक्शन भी हुआ ख़त्म, और ये वेडिंग हॉल से अब हम निकल रहे हैं बाहर। ये बहुत ही मज़े का वेडिंग हॉल था दोस्तों, मुझे तो सीरियसली इतना पसंद आया। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो तीसरा दिन है वलीमे का, तो ये वलीमे का वेडिंग हॉल है, और बाहर से कुछ हिस्सा दिख रहा है, बहुत ही मज़े का था ये भी, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी था दोस्तों। तो अंदर से कुछ इस तरह है ये, और यहाँ पर बस ज़्यादा व्लॉग ना बना सके। ये फूड है, ये खीर है, मुझे शादी में खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे वेडिंग्स में जो खीर होते हैं बहुत ही पसंद है। बस ये फूड। और दूसरे दिन पर मैं सिस्टर के घर आ गई, और ये डायनासोर इतना प्यारा था, सीरियसली बिल्कुल रियल लग रहा है। और यहाँ पर वैसे मैं बोर हो रही थी, मैंने ये इससे खेलना शुरू कर दिया। और यहाँ पर मेरी सिस्टर हमारे प्यारी सी बहुत ही यम्मी सी बिरयानी बना दी, और फिर इसके बाद ये चाय का बड़ा सा मग, मुझे चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन बड़े मग में मुझे पता नहीं कुछ होता है। और दोस्तों, यहाँ पर मेरी सिस्टर हमारे लिए समोसे बना रही थी, तो मेरी छोटी सी नीस थी जो बिल्कुल भी ये रोलिंग पिन हमें नहीं छोड़ रही थी, और यहाँ पर हमारे साथ समोसे बना रही है, बहुत ही क्यूट सी मेरी प्यारी सी नीस दोस्तों। और फिर ये समोसे सारे रेडी हो गए हैं, तो हमने इसे थोड़े से टाइम के लिए रख दिया है इस तरह से। और ये है प्यारा सा जीप दोस्तों, इस जीप को देखकर मुझे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हम इस तरह से प्यारा सा जीप हमारा भी था, लेकिन मेरे भाई ने उसे बेच दिया, लेकिन बहुत ही मज़े का था, लेकिन ये तो फेक जीप है दोस्तों, तो चलो कोई नहीं। तो ये समोसे थे जिसको हमने अच्छे से फ्राई किए, बहुत ही मज़े की थी सीरियसली, बहुत ही क्रिस्पी दोस्तों। और ये चाय हम इंजॉय कर रहे हैं, और बस यहाँ से हम फिर चले गए अपने घर। और दूसरे दिन पर हम अपने लिए, मेरे नेफी ने आइसक्रीम ली, बहुत ही मज़े की है दोस्तों, 200 रुपी पे आपको इजीली मिल सकती है, बहुत ही मज़े की स्टफिंग है, और बहुत ही ज़्यादा स्प्रिंकल्स है, तो भाई साहब ने तो बहुत ही अच्छे से सारे स्प्रिंकल डाल दिए। और यहाँ पर अब टाइम है कि इसमें आइसक्रीम डाल लें, बहुत ही मज़े की दोस्तों, सीरियसली मुझे तो इतना अच्छा लगा। एंड रोस्टेड पीनट एंड रोस्टेड आलमंड्स का तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसमें। तो दोस्तों, बस हमने इस आइसक्रीम को लिया और इन्जॉय किया। तो दोस्तों, आप अभी इस आइसक्रीम को खा सकते हो आपके करीब में अगर कोई हो इस तरह से, तो क्योंकि बहुत ही मज़े का था, इसलिए आपको कह रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी आइसक्रीम। और यहाँ पर जैसे हम घर आ गए, तो हमारे नेबर्स में मेरे अबू के फ्रेंड ने ये मैक्रोनी सैलड हमारे घर बेच के बहुत ही मज़े का था दोस्तों। तो उम्मीद है कि मेरा ब्लॉग पसंद आए, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।